हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सिंपल सा इजी वाला मेकअप लुक जो हर कोई कर सकता है। तो आपको कहीं पार्टी में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, तो आप ये सिंपल लुक कर सकते हो। नहीं तो एखादा जो क्लाइंट होता है उसको सिंपल इजी लुक चाहिए होता है, तो आप उस इसमें भी आप वो मेकअप उनको दे सकते हो। तो अभी मैं हम इसका CTM कर रहे हैं, क्लाइंट का CTM कर रहे हैं। तो CTM का जो डिटेल्स वीडियो है मैंने पहले भी चैनल में अपलोड किया है, आप वो देख सकते हो। CTM क्या होता है, किसके मेकअप के पहले 5 मिनट की जो प्रोसेस होती है स्किन केयर करने की, वो होती है। तो मैंने वाइप्स से पहले क्लाइंट की जो स्किन थी वो क्लीन कर ली, और उसके बाद टोनर उसका स्प्रे किया और उसको अच्छे से 2-3 मिनट तक सूखने दिया। उसके बाद अभी मैं ये निविया का मॉइस्चराइज़र उसको लगा रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र इसलिए कि मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मेकअप ज़्यादा टाइम तक टिके, मॉइस्चराइज स्किन रहे, इसलिए हम इसको मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। तो मॉइस्चराइज़र आप हाथ से भी सिंपल लगा सकते हो, आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हो। तो बस यही है, अभी CTM में हर जो प्रोसेस है उसके बाद 2-3 मिनट का वेट करके आपको CTM में नेक्स्ट प्रोसेस करनी होती है। तो अभी CTM हो गया है, उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप जो होता है प्राइमर लगाना। प्राइमर से क्या होता है, जो हमारे स्किन पे ओपन पोर्स वगैरह वो जो होता है वो क्लोज हो जाते हैं, प्राइमर ये काम करता है। तो प्राइमर में सिंपली जस्ट गोल्ड का प्राइमर ले रही हूँ। तो जस्ट गोल्ड का प्राइमर बहुत अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। प्राइमर लगाने के 2-3 मिनट बाद आपको स्किन को कंसीलर कर लेना है। तो मैं कंसीलर पैलेट इधर यूरोप गर्ल की यूज़ कर रही हूँ। तो कंसीलर हम क्यों करते हैं, जैसे स्किन हमारी क्लाइंट की अभी देखो फेयर है, इतने प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन कोई कोई जो क्लाइंट होते हैं उनकी स्किन में डार्क सर्कल होते हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं। तो हाइड करने के लिए हम कंसीलर करते हैं, करेक्टर भी हम यूज़ करते हैं कभी कभार, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो तो करेक्टर यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कंसीलर का 1 लेयर इधर अप्लाई कर रहे हैं कंसीलर ब्रश से। ये जो ब्रश मैं अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये बेली के ब्रश है, अच्छे है ये भी ब्रश, इको मतलब इकोनॉमिकल रेंज में ये अच्छे से मिल जाते हैं। अगर आपके पास दूसरे ब्रांड के हैं तो भी चलेगा, कोई इतना ये नहीं होता है। तो अभी मैं कंसीलर एक शेड डाउन, क्लाइंट के स्किन से एक शेड डाउन कंसीलर हम करते हैं कभी भी। तो अभी हम कंसीलर अच्छे से देखो इधर कर लिया है, सब प्रॉब्लम जो छोटे छोटे तिल भी थे वो भी देखो हाइड हो गए। और क्लाइंट को है ना, मेरे क्लाइंट को बिल्कुल मतलब सिंपल लुक चाहिए था, एकदम ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लाइट ही मेकअप में इधर कर रही हूँ। अभी मैं इधर क्या कर रही हूँ, कंसीलर हमने अप्लाई करने के बाद ब्लेंडर लिया है। तो ब्लेंडर देखो, ब्लेंड मतलब जो हमने जो कंसीलर यूज़ किया उसको क्या करता है, सिंपली वो अच्छे से स्किन में ब्लेंड करता है। तो ब्लेंडर हमें कैसे यूज़ करना है, जैसे ब्लेंडर जो नल के पानी में थोड़े से 2-3 मिनट भिगोना है और उसको अच्छे से निचोड़ के, उसका सब पानी निचोड़ के फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो जितना आप ब्लेंडिंग करोगे अपना मेकअप, क्लाइंट का मेकअप, आपका मेकअप, उतना ही मेकअप अच्छा आता है। ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। तो अभी कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैं इधर फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो क्लाइंट के स्किन से मिलता जुलता टोन आपको लेना है, अगर आपके पास ज़्यादा डार्क और फेयर मतलब टोन है तो आपको उसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर फाउंडेशन उसको ब्लेंड करना है। तो फाउंडेशन के बाद हम पाउडर लगा रहे इधर, तो पाउडर में यूरोप गर्ल का पाउडर अच्छा है। उसके बाद आप इधर मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। तो आईब्रो डिफाइन के लिए मैं PSC का जो छोटा वाला आईब्रो डिफाइन का जो पैलेट है वो यूज़ करती हूँ हमेशा, बहुत अच्छे से और नेचुरल इसके शेड होते हैं।
तो बस इसको अच्छे से आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके ब्रश में फिर उसको अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है। तो इधर बिल्कुल इनको सिंपल लुक चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आईब्रो डिफाइन थोड़ा सा अच्छा एक मतलब थोड़ा सा मोटा करती हूँ, तो इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट ये कर रही हूँ। मैं इधर आपको जो मेकअप के जो प्रोडक्ट बता रही हूँ, तो वो मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेकअप में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या है वो पता नहीं चलता, इसलिए मैं इनके डिटेल्स बता रही हूँ। तो आप ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट्स से आपको अगर लेने होंगे तो। अदरवाइज़ आप दूसरे ब्रांड के साथ भी जा सकते हो, ऐसे कुछ मतलब वो नहीं है। तो इधर देखो मैंने आईब्रो डिफाइन कर लिया है। आईब्रो डिफाइन ब्रश से करने के बाद उसके पीछे जो वो होता है उससे स्प्रिंग से आपको उसको हल्के से उसको मतलब स्प्रेड करना है, तो वो अच्छे से आईब्रो का शेड उसको अच्छे से मतलब आ जाता है, नेचुरल शेड लगता है। तो इसके बाद हम अच्छे से आई मेकअप कर देंगे। तो इनको आई मेकअप भी बिल्कुल सिंपल चाहिए था, उनको पूरा ही लुक मतलब सिंपल ही चाहिए था। तो मैंने इधर सिंपल जो लाइट पिंक शेड है वो मतलब आई पे लगा लिया ब्रश की हेल्प से, और गोल्डन कलर का ग्लिटर इसमें लगा दिया है। अगर बिल्कुल भी सिंपल आई मेकअप आपको क्लाइंट के चाहिए, आपको चाहिए, तो आप है ना बिल्कुल मतलब पिंक कलर का हल्का सा वो करके उस पर गोल्डन ग्लिटर हल्का सा लगा दे, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लुक देता है। इसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। तो आईलाइनर में आप जाए तो यूरोप गर्ल का जो आईलाइनर है वो बिल्कुल अच्छा है, जो बिगिनर्स भी इसके साथ काम कर सकता है, इतना बढ़िया आईलाइनर ये मतलब होता है। बिल्कुल अच्छे से देखो आईलाइनर मैंने लगा लिया है। उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा भी यूरोप गर्ल का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पार्लर में यूरोप गर्ल के मतलब प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो अभी देखो, तो मस्कारा लगाते टाइम आपको देखो केयरफुली मस्कारा लगाना पड़ता है, तो वो अच्छा लगता है, अदरवाइज वो स्किन को ब्लैक लग जाता है उसका। तो केयरफुली इसको करना है, इसको अच्छे से लगाना है। तो ये मस्कारा बहुत अच्छा है, आप अदर ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। अभी मैंने डार्क मरून शेड लिपस्टिक में इधर यूज़ कर रही हूँ। तो आप मतलब मैं कॉस्ट्यूम के जैसे उसके कॉस्ट्यूम थे उसके अनुसार मैं इधर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो लिपस्टिक में अगर कहा जाए तो मैं इधर मेबिलिन का यूज़ कर रही हूँ। मेबिलिन की लिपस्टिक भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अभी इधर शेप देने के लिए मैंने बेली के ब्रश में से जो नोक वाला जो लिपस्टिक का जो ब्रश होता है उसके उससे मैं उससे लिप को अच्छे से शेप दे रही हूँ, नोक वाले ब्रश से। अगर आप बहुत बिगिनर हो लिपस्टिक के, वो स्पंज से आपको लिपस्टिक नहीं लगानी आती, तो आप ये ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से इससे ब्रश से लिपस्टिक लगती है। तो देखो इधर अभी हमारा लिपस्टिक के साथ जो इनका मेकअप है वो भी फिनिश हो गया है। तो मेकअप के बाद बिंदी लगाने के और हेयर स्टाइल बनाने के बाद क्लाइंट का फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो आज का ये वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसे लगा वो भी बताना, और आप बिगिनर्स हो या पार्लर में काम कर रहे हो मतलब पार्लर चला रहे हो, आप कौन से टाइप में आते हो, तो मुझे क्या है आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे उस हिसाब से आपको वीडियो अपलोड करने में मतलब हेल्प हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इजी और सिंपल लुक आप शादी ब्याह में पार्टी में इजीली आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और एक सब्सक्राइब, नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।